गौरव की बात है। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माननीय गृहमंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी का आज यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में आगमन हमारे लिए विशेष प्रेरणा की बात है। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ गृहमंत्री महोदय का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, UISM, AVSM, YSM, SMBSM, सभी उपस्थित अतिथियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, किसी संस्था को अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों का समय लग जाता है, वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मात्र 9 वर्ष के अपने अस्तित्व काल में जो विश्वसनीयता, जो कार्यकुशलता, दक्षता और प्रतिष्ठा प्राप्त की है वो उल्लेखनीय भी है और अनुकरणीय भी। निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व और संगठन के सदस्यों के कठिन परिश्रम और समर्पण को जाता है। यह आयोजन एक बार फिर हम सबको समर्पित और संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा NIA के महानिदेशक श्री योगेश चंद्र मोदी जी से कि वे आप सबका स्वागत करने के लिए पधारे। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री एम वेंकैया नायडू जी, गृह मंत्री भारत सरकार माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, NIA के उपस्थित कार्मिक, मीडिया कर्मी एवं अतिथिगण, आज हम यहाँ NIA दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित RV राजू स्मारक भाषण के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री RV राजू 1975 बैच जम्मू कश्मीर काडर के IPS अधिकारी थे, जिन्होंने NIA के पहले महानिदेशक के तौर पर 19 जनवरी 2009 को कार्यभार संभाला था। अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने इस एजेंसी में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की नींव रखी। तब से लेकर अभी तक के सफर पर जब हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि पिछले 9 वर्षों की हमारी यह यात्रा बहुत ही सुखद व रोमांचक रही है। इससे पहले कि मैं NIA के पिछले वर्षों के कार्यकाल पर संक्षिप्त रोशनी डालूं, आज इस समारोह में पधारने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी एवं गृह सचिव एवं आर्मी चीफ का हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। 19 जनवरी 2009 को गठित इस एजेंसी ने इतने कम समय में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सेंटार होटल के 2 कमरों से अपने खुद के कार्यालय तक का सफर निरंतर गतिमान रहने व नित नई ऊंचाइयों के छूने का रहा है, चाहे वह आतंकवादी संबंधी मामलों की विवेचना का हो या फिर NIA कर्मियों के लिए सुविधाओं के निर्माण का। महज 9 वर्षों के कार्यकाल में NIA ने आतंकवाद संबंधी 185 मामले दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनल तरीके से पूरा करने का कार्य किया है। इन 185 मामलों में 64 मामले जिहादी आतंकवाद, 27 पूर्वोत्तर के अलगाववाद, 41 आतंक वित्त पोषण एवं जाली मुद्रा, 15 वाम चरमपंथ और 38 अन्य आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं। इन 185 मामलों में 148 की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिनमें से 37 मामलों का ट्रायल खत्म हो गया है और इनमें 167 दोषी व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है। अब तक के मामलों में हमारा कन्विक्शन रेट 95% रहा है, जो कि NIA की कुशल कार्यशैली को दर्शाता है। इसके मानदंडों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का द्योतक है। आपने मीडिया के माध्यम से हमारे द्वारा किए गए कार्यों, विवेचना एवं केसों की प्रोफाइल को जाना होगा, जो कि हमारे कार्य प्रणाली को परिभाषित करता रहा है। एक जांच एजेंसी के तौर पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए NIA के अधिकारियों व कार्मिकों ने बहुत परिश्रम किया है। आतंकवाद के मामलों की जड़ तक पहुँचने के लिए हम
कटिबद्ध हैं और दर्ज किए हुए मामलों में प्रभावी तरीके से कानूनी कार्रवाई करने को पूर्ण करना हमारा मूल मंत्र है। यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय के सहयोग से हमारे नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कार्य 4 विभिन्न जगहों पर 2015 में आरंभ हुआ। इनमें से हमारे मुख्यालय का एवं लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय एवं आवासीय परिसर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन दोनों जगह के कार्यालय विगत कुछ महीनों से सुचारू रूप से क्रियाशील हैं। बाकी दो जगह गुवाहाटी और हैदराबाद में भवनों के निर्माण का कार्य जारी है और इस वर्ष के उत्तरार्ध में कार्य संपन्न होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय कार्यालय कोची, रायपुर एवं जम्मू के कार्यालय एवं आवासीय परिसर हेतु भूखंड आवंटित हो चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में भी आवासीय परिसर के लिए हमें भूखंड आवंटित हुआ है। गृह मंत्रालय ने इन जगहों पर निर्माण हेतु आवश्यक फंड भी उपलब्ध कराए हैं, जिसके लिए मैं गृह मंत्रालय का आभारी हूँ। हमारे विभिन्न प्रयासों में गृह मंत्रालय का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप समस्त अतिथियों को यहाँ उपस्थित होने तथा हमारा उत्साह वर्धन करने हेतु मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में NIA इससे भी अधिक गति से उत्तरोत्तर विकास की नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी एवं आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण गतिशील रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आभार महानिदेशक महोदय का। दिव्य सज्जनों, आप सब जानते हैं 2008 में संसद में NIA एक्ट पास हुआ और NIA ने 19 जनवरी 2009 को विधिवत अपना कार्य आरंभ कर दिया था। इसके पहले महानिदेशक थे श्री आरवी राजू। NIA का महानिदेशक बनने से पहले श्री राजू जम्मू कश्मीर में और CBI में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान, बहुमूल्य योगदान दे चुके थे। जम्मू कश्मीर उनका होम गार्डर था। आज NIA का जो स्वरूप है, जो कार्य संस्कृति है, उसकी नींव डालने में और उसे आकार देने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। NIA सदैव इस बात के लिए श्री राजू का ऋणी रहेगा। उन्हीं की स्मृति में NIA ने मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत भी की थी 4 वर्ष पहले। स्वर्गीय आरवी राजू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अचम्मा विनोद को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट कर हम अपना आभार और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। और इसके लिए मैं महानिदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और मंचासीन विभूतियों को मंच के अग्रभाग में लेकर आएं। और श्रीमती अचम्मा विनोद से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और आकर ये सम्मान, ये कृतज्ञता हम सब की तरफ से स्वीकार करें। उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से श्री आरवी राजू ने इस संगठन को, इस संस्था को खड़ा करने में, इसको आकार देने में, इसको एक संस्कृति प्रदान करने में भूमिका निभाई, हम सदैव उनके योगदान के प्रति नतमस्तक रहेंगे। और इसी के लिए आभार स्वरूप आज श्रीमती अचम्मा विनोद को स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से ये आभार, ये कृतज्ञता हम व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार श्रीमती अचम्मा विनोद जी का। और अब मैं वर्ष 2016 के स्वतंत्रता दिवस और 2017 के गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए अनुरोध करूंगा उपराष्ट्रपति महोदय से। स्वतंत्रता दिवस 2016 के अवसर पर घोषित विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है श्री आलोक मित्तल, IPS इंस्पेक्टर जनरल NIA को। श्री आलोक मित्तल सन 1993 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं। वर्ष 2015 में डेपुटेशन पर आपने NIA ज्वाइन किया। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की जांच आपकी देखरेख में हुई। ISIS, ISIL के देशभर में फैले मॉड्यूल्स, भरूच टारगेट किलिंग केस, उधमपुर और हंदवाड़ा टेरर अटैक, टेरर फंडिंग, जाली भारतीय मुद्रा से जुड़े मामलों की जांच आपकी देखरेख में हुई है। 2001 से 2005 तक पुलिस अधीक्षक के रूप में CBI में भी आपने अपनी सेवाएं दी। 2009 में आपको सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया था। आज आपको विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2016 के राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है श्री आलोक मित्तल, IPS IG NIA।
सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 2016 श्री सत्यानंद पांडे पुलिस अधीक्षक NIA। श्री पांडे ने सन 1995 में सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ज्वाइन किया था, जहां 2015 में आप कमांडेंट के पद पर प्रोन्नत हुए। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस कलेक्शन, प्रशिक्षण और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में आपका गहन अनुभव भी है और योगदान भी। वर्ष 2012 में श्री पांडे ने पुलिस अधीक्षक के पद पर NIA में ज्वाइन किया था और यहां भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कई मामलों की जांच में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री सत्यानंद पांडे को सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2016 के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री सत्यानंद पांडे पुलिस अधीक्षक NIA। श्री विक्रमन पी उप पुलिस अधीक्षक NIA सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 2016। श्री विक्रमन पी ने सन 1995 में केरल पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया था, जहां वे 2010 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए। वर्ष 2012 में आपने रेपुटेशन पर NIA ज्वाइन किया और कई मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री विक्रमन पी को सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2016 के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री विक्रमन पी उप पुलिस अधीक्षक NIA। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 2016 श्री ब्रजभूषण पाठक इंस्पेक्टर NIA। श्री पाठक ने सन 1988 में CISF में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया, जहां 2002 में इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति पाई। 2012 में डेपुटेशन पर आपने NIA में ज्वाइन किया था, जहां 2016 में आपको ऑब्जर्व किया गया। यहां आप आतंकी गतिविधियों से जुड़े जांच दल का हिस्सा रहे हैं। 2015 में आपको DG NIA के कमेंडेशन डिस्क से भी सम्मानित किया गया था। श्री ब्रजभूषण पाठक को सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2016 के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री ब्रजभूषण पाठक इंस्पेक्टर NIA। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 2017 श्री DR सिंह ASP NIA। श्री सिंह ने सन 1987 में सीमा सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया, जहां 2012 में आप डिप्टी कमांडेंट के पद पर प्रोन्नत हुए। 2010 में आपने NIA ज्वाइन किया और यहां इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए आपको 2015 में DG NIA के कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया। आज यहां श्री DR सिंह ASP NIA को वर्ष 2017 के सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री DR सिंह ASP NIA। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 2017 श्री A नरसिम्हुलु नायडू हेड कांस्टेबल NIA। श्री A नरसिम्हुलु नायडू ने सन 1984 में सीमा सुरक्षा बल में ज्वाइन किया था। वर्ष 2010 में हेड कांस्टेबल के रूप में आपने NIA ज्वाइन किया डेपुटेशन पर। इन्वेस्टिगेशंस और इंटेलिजेंस कलेक्शन में योगदान के लिए आपको वर्ष 2017 में DG NIA डिस्क से पुरस्कृत किया गया था। आज यहां श्री A नरसिम्हुलु नायडू को सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2017 के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री A नरसिम्हुलु नायडू हेड कांस्टेबल NIA। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 2017 श्री अरविंद दिग्विजय नेगी IPS पुलिस अधीक्षक NIA। श्री अरविंद दिग्विजय नेगी ने सन 1998 में पुलिस उप अधीक्षक के रूप में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। वर्ष 2010 में एडिशनल SP के रूप में NIA ज्वाइन किया और यहां 2013 में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए। NIA में विगत 7 वर्षों के दौरान आपने इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए वर्ष 2015 में आपको DG NIA के कमेंडेशन डिस्क से पुरस्कृत किया गया था। श्री अरविंद दिग्विजय नेगी को सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2017 के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री अरविंद दिग्विजय नेगी IPS पुलिस अधीक्षक NIA।
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2017 श्री सी राधा कृष्ण पिल्लई उप पुलिस अधीक्षक एनआईए। श्री पिल्लई ने 1987 में सब इंस्पेक्टर के रूप में सीआईएसएफ में ज्वाइन किया, जहां 1997 में आप इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नत हुए। 2009 में आपने एनआईए ज्वाइन किया और यहां आपको उप पुलिस अधीक्षक के रूप में ऑब्जर्व किया गया। सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2009 में आपको पुलिस पदक से अलंकृत किया गया था। श्री सी राधा कृष्ण पिल्लई को विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2017 के राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री सी राधा कृष्ण पिल्लई उप पुलिस अधीक्षक एनआईए। सभी पदक प्राप्तकर्ताओं को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं उपराष्ट्रपति महोदय से और सभी विभूतियों से निवेदन है कि वे सभी अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे पदक प्राप्तकर्ता उन सबको हम एक बार मंच पर आमंत्रित करेंगे जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और सभी विशिष्ट विभूतियों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होंगे। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से ये सम्मान, ये पदक प्राप्त हुआ है। हार्दिक बधाई इन सभी के लिए। देवी सज्जनों, देश की एकता और अखंडता को लेकर माननीय गृहमंत्री महोदय की प्रतिबद्धता और उनकी सक्रियता हम सबके लिए प्रेरणा है। देश के दुर्गम से दुर्गम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर आप सदैव सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय गृहमंत्री महोदय से, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, कि आज इस अवसर पर अपने उद्बोधन से पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें कृतार्थ करें। आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय, मेरे सहयोगी गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज जी है, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी, एनआईए के डीजी श्री वाईशी मोदी जी, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के वर्तमान डीजी और पूर्व डीजी, अन्य अधिकारी वर्ग, यौमन्य देवियों यौम सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सहज रूप से इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। और मैं जानता हूं, आज से नहीं वर्षों से जानता हूं, कि राष्ट्रपति महोदय चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन जब कभी भी किसी कार्यक्रम के लिए आग्रह किया जाता है तो उसमें से वो समय निकालने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। और देश की सुरक्षा के लिए जो समर्पित लोग हैं, उनके प्रति उनके मन में एक विशेष अनुराग का भाव रहता है, यह भी साथ काम करते हुए मैंने अनुभव किया है। तो आज उनकी उपस्थिति से हम सबको बेहद खुशी है। उन्होंने आज एनआईए के कुछ अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस पदक प्रदान किया है। जिन अधिकारियों ने पदक प्राप्त किया है उनको अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। यह स्वाभाविक होता है कि जब किसी को कोई पुरस्कार प्राप्त होता है, कोई मेडल प्राप्त होता है, पदक प्राप्त होता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास स्वतः बढ़ जाता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वह कुछ ना कुछ और बेहतर करने की सोचता है और कुछ और बेहतर करने के लिए वह प्रयत्न भी करता है। और एनआईए जैसी संस्था, जिस समय डीजी एनआईए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मैं गौर से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एनआईए एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसका कि कन्विक्शन रेट 95% है। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि जिस
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस हद तक कामयाबी मिली है, उसे क्या कहना चाहिए? क्या मैं उसे कहूं बेटर देन द रेस्ट? तो मुझे लगा कि यह कम होगा, तो मैं इस नतीजे पर कहा पहुंचा कि इसको बेटर देन द रेस्ट न कहकर बल्कि मैं कहूं कि बेटर देन द बेस्ट। क्योंकि 95% कन्विक्शन रेट हासिल करना यह कोई सामान्य बात नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन कितने प्रोफेशनल तरीके से होता है, कितने साइंटिफिक तरीके से होता है, इसका सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि एनआईए ने 9 वर्षों के अंदर इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में एक अपनी साख बनाई है, एक विश्वसनीयता हासिल की है। मैं पूरे इस एनआईए ऑर्गेनाइजेशन को, डीजी सहित पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी प्रायः इसी के कंधों पर आती है। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आप ये जानते हैं कि भारत के ही लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आतंकी वारदातों में जो लोग भी शामिल होते हैं वो अपने को भले ही बहादुर समझते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि वह बहादुर नहीं होते बल्कि वह बर्बर होते हैं, बर्बर होते हैं। और मानव सभ्यता के लिए सचमुच वो अभिशाप। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि हमारी आर्मी, हमारे सुरक्षा के जवान जिस मजबूती के साथ इस आतंकवाद की चुनौती को स्वीकार कर उस पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, वह सभी अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। और मैं तो यह मानता हूं कि सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और इस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। लेकिन यह विडंबना है, कुछ ऐसे देश हैं जो कि आतंकवाद को जन्म देते हैं, आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आतंकवाद का सिलसिला कभी न कभी समाप्त होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। हमारी एनआईए संस्था का यहां तक प्रश्न है, केवल आतंकवाद हिंटरलैंड में, हिंटरलैंड के इतर कहीं पर हो, केवल उसी मामलों की जांच करती हो? ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी जो घटनाएं होती हैं, आज मैं कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्ट की उग्रवादी घटनाओं में 85% की कमी आई है। तो उसमें जहां अन्य एजेंसियों का कंट्रीब्यूशन है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है, वहां की नॉर्थ ईस्ट की पुलिस का कंट्रीब्यूशन है, वहीं किसी से कम हमारे एनआईए का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। एनआईए ने करिश्माई काम किया है। स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं लगभग बधाई के पात्र है एनआईए। आए दिन स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती थी और हमारे सेना सुरक्षा के जवानों पर भी स्टोन पेल्टिंग होती थी, लेकिन स्थिति में काफी सुधार हुआ है और आगे और सुधार होगा। और मैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों से भी कहता हूं, आप हमारे इंटीग्रल पार्ट पहले थे, हैं और भविष्य में रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमसे आपको अलग नहीं कर सकती है। किसी को यह गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हमको इस बात की गलतफहमी नहीं है। हम भारतवासियों को किसी कोई गलतफहमी नहीं है। एनआईए से मैं जरूर कहूंगा कि इतना उत्तम काम आप कर रहे हैं, जल थल नब सभी जगह आतंकवादी वारदातें कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन एक चौथा डायमेंशन उसमें आ गया है, साइबर का, साइबर स्पेस का।
उसमें भी आपको अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है, स्किल डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ इंटरनेट, इन चारों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया रची है, ऐसी दुनिया रची है जिसे आप भी अच्छी तरह परिचित हैं। इस दुनिया की चुनौती को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो अपराधी हैं वो अपराधी टेक्निकल दृष्टि से भी बहुत ही एडवांस हैं, बहुत ही एडवांस हैं। तो इन सब सारे मामलों में भी कैसे प्रोफेशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किया जा सकता है, काम करने की जरूरत है। और साथ ही NIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने के कारण मैं समझता हूं कि दुनिया की दूसरी जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी आपका आवश्यक है। मैं अभी पूछ रहा था किसी अधिकारी से, दुनिया के दूसरे देशों की जो फेडरल एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन आपका कैसा है, उन्होंने बताया कुछ देशों के साथ हमारा है, इस कोऑर्डिनेशन को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। और उनकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हों उसे अपनाने की भी जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि NIA की जितनी साख बढ़ी है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, दूसरी फेडरल एजेंसी भी सोचती होंगे कि आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी एडॉप्ट करें, क्योंकि 95% का कन्विक्शन रेट ये बहुत बड़ा काम है। कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते हैं, इसके संस्थापक अध्यक्ष लेट श्री आरवी राजू जी ये संस्थापक डीजी रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात की जानकारी हासिल करके कि उनके नाम पर जो अपना संस्थापक रहा हो इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके नाम पर मेमोरियल लेक्चर NIA ऑर्गेनाइज करता है। और हमारे फॉर्मर डीजी NIA जी मिस्टर शरद कुमार थे, उस समय मैंने देखा कि यह सिलसिला प्रारंभ किया। और उसमें भी मुझे बेहद खुशी हुई कि आज श्रीमती अचम्मा विनोद जी यहां पर मौजूद हैं और आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय ने उन्हें भी आज सम्मानित किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी अपनी तरफ से हृदय की गहराइयों से आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। और मैं चाहूंगा कोई मेमोरियल लेक्चर हो, प्रतिवर्ष श्रीमती अचम्मा विनोद जी को आमंत्रित किया जाना चाहिए प्रतिवर्ष, ताकि सभी उनके प्रति, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सके। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः मैं अपनी NIA 95% कन्विक्शन रेट है तो वह बढ़कर 99% और 100% तक पहुंचे, इसमें वो कामयाबी हासिल करे यही शुभकामना देते हुए, और पुनः उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय गृहमंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। देव सचिनों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चौथे आरपी राज्य मेमोरियल लेक्चर का विषय है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौतियां। यह हमारा सौभाग्य कि आज इस विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए हम सबके बीच माननीय उपराष्ट्रपति महोदय मुख्य अतिथि के रूप में यहां पधारे हैं। मैं उपराष्ट्रपति महोदय से ही अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय
भारत का गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और श्री हंसराज अहीर जी, हमारा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी, आपका निर्देशक एनआईए का श्री योगेश चंद्र मोदी जी और इस समारोह में भाग लेने वाले सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, मैं राजनाथ जी का और मोदी जी का, आपका मोदी जी का भाषण हिंदी में सुना है, इसलिए मैंने सोचा ये एनआईए ऐसा जटिल विषय है, इसलिए मैं थोड़ी देर अंग्रेजी में बोलूं। और जो लोग ये मिसचीफ कर रहे हैं उनको ज्यादा अंग्रेजी मालूम है, बाहर से और अंदर से भी। बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर आई वुड लाइक टू थैंक द एनआईए, पर्टिकुलरली I'm tempted to say my friend, but now I can't really use that words, Mr. Rajnath Singh ji, because I am also chairman of the Rajya Sabha. And tomorrow somebody may say, because his friend is been lenient, there is no need for to be lenient with him because he is efficient, by all means, as the Home Minister of India and also knowledge-wise about all the subjects also. We have been working together. Of course, now I am not there in his party. I am now out of politics. I resigned from party politics, but I am active in public life. I feel really happy to come this important function because it is a memorial lecture. Memory, remembering the people who have done great service has been the culture of India, and also honoring are presenting medals to some of the people who have given distinguished service. That's also part of our culture. Pratibha Puraskar, a Bharatiya Samskruti ka ek ang hai. By giving a medal or a certificate, what is it they are going to get? This is to give inspiration to others. This felicitation is to give inspiration to others. You also work hard, you will also be recognized. That is the purpose of this felicitation program, and I compliment NIA and its director for this initiative that has been going on. Friends, I congratulate the medal awardees. We have rendered outstanding service to the NIA and our country. Their professionalism and dedication and devotion should inspire the others in this organization to scale new heights and set new benchmarks of excellence. Rajnath ji was telling about performance of 95% and hoping for 100%, because there is always a scope for improvement. And the challenges are increasing as we are moving forward. Two things are happening. One is aspirations. Now it's an aspirational India. People want excellence. They are not satisfied with the good performance, better performance, best performance. They want outstanding performance. That's the expectation. Good performance also a very good thing that way. Secondly, the challenges are also increasing manifold. India is moving forward. Some people are not able to digest it, including one of our neighbor. In the entire world, economy is little slowed down. But according to all the reports, whether it is IMF, today's report, yesterday's report, or the World Bank, or the Moody's ratings, not Modi, Moody's ratings, and also the other assessments that are made from time to time, India is on the move. And in the coming 3 years, no wonder India will surpass even the other powerful neighbor, China. That's the information. And we have confirmation also for that information, because everywhere same is the case. And you have seen in Davos also how India was welcomed by the people and Indian story was hailed by one and all.
The government of India is making all the efforts, political level. The Prime Minister has invited all the SAARC countries for his swearing-in ceremony, a very good gesture that shows we want to be friendly with all our neighbors. Secondly, tomorrow, the day of tomorrow's Republic Day, we invited all the Asian leaders. I think first time such a thing is happening. All the important heads of the Asian countries, ASEAN countries, are all coming here. And India, if you go through civilization, we don't have the history of attacking anybody. We are one of the oldest civilizations. Why I'm giving this background is people should know this. The countrymen should know this. And also our neighbors also should be reminded. India's GDP was 27% of the world GDP before the invasion by others. 27% of the world GDP was from India. We had such trade, such wealth. And then after the invasion of the others, what has happened to India? And now we are struggling hard to become 7.2, 7.4, and then planning to become double digit in coming years. This is the historical part. Even with the troubling neighbor also, we always try to talk. And also, in spite of our provocations, we were trying to make a friendship with us, as Sriman Atal Bihari Vajpayee has said, you can change your friends, but you can't change your neighbors. That's the problem. And the Prime Minister also has gone out of the way. You might have seen that he not only called them for our swearing in, and he also had a sudden stopover at Lahore while coming back from other country. This never happened without any notice. To attend a family function, he wanted to send a signal that we Indians, we want to be friendly with all. We have no enmity with anybody. But in spite of that, what is happening? So that's a big challenge for us, along with the internal challenges here and there by extremists, by fundamentalists, by also some of the divisive forces that is there. Our neighbor want to aid, abet, fund, train terrorists. It's very clear. There's no need to feel shy or try to be goody-goody. It's very crystal clear the world should realize that they have made this as a state policy. And they want to see that India is subverted, weakened, crippled economically. Other than this, there is no other reason. As rightly said by Sri Rajnath Singh ji, wo kabhi bhi swapna bhi nahi soch sakte, kabhi bhi Jammu Kashmir ya Bharat ka koi pradesh unka paas jayega, ye to sambhavna to hai nahi. This will never, never happen. Not even an inch of Indian land can be allowed to be taken by those people. That's very clear, crystal clear. Friends, the R.V. Raju was the first DG of this premier counter-terrorism investigating agency, because terror is increasing worldwide. Once upon a time, we used to be the victims. Others used to just simply condone, send condolences. Condolence for the dead, compensation for the survived. That used to be the policy. Now the approach has changed. It has to change further. We can no longer tolerate this sort of nonsense. And other countries also now have realized, the West has realized. Earlier, in spite of the pain that we are getting, they were not able to appreciate our difficulties. Now not in the West, the Europe, everywhere, every country for that matter, except one or few. Their turn also may come, we don't know. This is happening worldwide. So terror is a threat to the humanity. Terror has no religion. Terror has no region. When I said terror has no region, I saw social media reacting very strongly. Sir, how do you explain this? They have not read my second sentence. Terror has no religion, but some terrorists are trying to take the cover under religion. It's a fact. They want to cover up their heinous crimes by taking shelter under religion, by indoctrinating the youngsters in the name of religion, though no religion, to my knowledge, accepts terror. No religion preaches terror. But unfortunately, religion is being used. Otherwise, how do you explain this ISIS?
How do we explain some of these activities by some of these people and then trying to take shelter, cover under religion and what is happening in Jammu Kashmir? How they connected to religion? What is religion in this? Throwing thrones. Is it written in any Bhagavad Gita or Guru Granth Sahib or Quran or any other pustak? Right. But they are trying to. And then unfortunately some people are falling prey to that. In addition to this, media also sometimes to sensationalize. Sometimes this angle also is brought in. This is one of the challenges before the nation. We must also understand the basic principle. Peace and progress go together. If there is tension on the border or internally, if there is tension, there cannot be attention towards development. These two things are very simple. This is not a new theory I am trying to present before you. Tension and attention cannot go together, even if it is in the house also. Peace and progress, they go together. So we are a peace-loving nation. We have the history. We have the culture. We believe in Vasudhaika Kutumbam. We believe in Sarve Jana Sukhino Bhavantu. We respect each creature, including Pasu Paksha. Unko bhi hum log puja karte hai is desh mein. Even animal. Kanumu Pandaga, the Sankranti festival we had just now. This is a festival for animal also. And we also adore trees, plants also. That's the culture of this country. We don't intend any harm to anybody. So that by the case, how these things are happening. Because some people wrongly believe that the power comes through barrel of the gun. It can never. Even if it comes, it will not last on more than few minutes, few hours or few days. The bullet which you feel that you will get power will kill you tomorrow. Only question of time. So, and it has been proved worldwide that ballot is more powerful than bullet. Very clear, mighty rulers who thought that they are indispensable, very powerful, they were made powerless by that ballot. Simple. It simply goes in and then comes out, your fate is sealed. Your means not those politicians. Fate is sealed. So these things has to be understood by one and all. You can never achieve the so-called Maoists or the revolutionaries. What is revolution? Killing innocent people. Is it revolution? It is neither revolution nor an evolution or a solution. And secondly, you cannot finish any religion by such hatred. And if you think that your religion is great, Swami Vivekananda said that the moment you thought they were great, you were finishing other religion, then that means you are finished yourself. So these basic things have to be understood, and then we have to go on telling the people about our belief, our conviction, and what our forefathers have told us. So national security environment in India is determined by global geographical attributes, socio-economic, as well as regional and global developments. It's not simply in your hands. You don't believe that alone is not suffice. India is the seventh largest country in the world in terms of area. Second most populous country in terms of population. The third largest economy in terms of purchasing power, parity, PPP. And one of the oldest civilization with unparalleled cultural, religious, ethnic, and linguistic diversity. India shares its land boundaries with six countries, while it shares its maritime boundaries with seven countries. It is in this context that we should understand the national security challenges that India faces in the 21st century. The national security challenges can be broadly categorized as internal challenges and external challenges, as I was explaining, both of which are closely intricately intertwined. The internal challenges include the growing radicalization in some sections, not all, of the society. Some separatist movements. Separatist means I am not talking about a separate state agitation, etc. Separation from the country. And then the
insurgencies, communalism, and the so-called Maoist or extremist violence. We have centuries old rich cultural ethos that is rooted in strong democratic principles which eschew violence in all its forms. However, there are certain misguided elements who continue to use violence as an instrument to achieve political goals. No matter what the grievances are, disgruntled people are sections of the people. There are always means to resolve all issues lawfully and peacefully within our constitutional scheme. That has been proved world over. Having said that, I would like to point out that of immediate concern to all of us on the internal security front is the growing radicalization in some sections of the society. This has roots in a distorted view of religion and ethnic identity. How do you explain otherwise educated people taking to this sort of route and also trying to go out and then wage a so-called war in which they are going to die? We have witnessed this phenomena in the unending spiral violence in different parts of our country, including the Kashmir Valley, in the insurgent movements in the northeast region, and the left-wing extremism affected areas in the hinterland. The efforts made by the government have helped to contain the situation in Kashmir, as just now the Honorable Home Minister was explaining. There also has been a significant decline in the incidents of violence by Maoists, and the northeast is largely, by and large, peaceful. The IM was one of the successful initiatives. The Naga rebels and talks with them, NSC and IM, was one of the successful initiatives and shows how long festering political issues can be resolved peacefully to the advantage of all. Friends, as you know, India is now fastest growing economy. India needs to grow faster to provide basic means of livelihood and decent opportunity to all its citizens. We believe in inclusive growth. That's why government is taking so many steps to eradicate poverty, to take care of illiteracy, and to end the regional imbalances, and also to end the discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion, and region. And the entire society, fortunately, is in that mood now, that we're all joining together. In spite of political differences, states being ruled by different parties, there is a broad consensus as far as the national unity and integrity of the country is concerned, and also to large extent about the reforms also. So the mantra PM has given about reform, perform, and transform society, that is now taking shape speedily. So for that, the basic thing is safety to all. Feeling of safety also is much required. Friends, as you know, the need of the hour is to ensure that India remains peaceful so that the process of all-round development continues unhindered. We must be eternally vigilant against forces which are inimical to India and want to derail the country's onward march. Stopping roads, stopping doctors from attending hospitals, stopping the teachers from coming to schools. What sort of revolution it is, I am not able to understand. The so-called intellectuals who have joined that movement, I don't know why they are not able to understand this basic principle. The backward areas of Jharkhand, backward areas of Chhattisgarh, backward areas of Maharashtra, backward areas of Odisha, and backward areas of Andhra Pradesh and Telangana. One of the reasons is this violence. Frightens people to go and serve there in spite. And then destroying the public infrastructure. It's no solution, it's no revolution at all. Nowhere it happened. It's a mindless violence. It should be curbed. Friends, in this century, we have to be more vigilant. I must say, eternally vigilant against forces which are inimical to India and want to derail the country's onward march. That's why I use the word that one of our neighbors want to subvert India, cripple our economy. In this country, wars are, and these groups are all cooperating with each other at times. That also has to be understood. And in this century, wars are not fought in the battlefield alone. They are fought on all fronts, including the economic front. Economic warfare is one of the most potent tools to undermine the peace and security of a nation and damage caused by its immense. With regard to the external threats faced by the country, our neighborhood remains the biggest challenge for our national security.
The cross-border terrorism through both state and non-state actors has claimed thousands of innocent lives over the last three decades. One of our neighbor countries continue, as I told you, to follow that policy in spite of all this. Friends, the Indian economy is trying to be damaged monetarily through production and smuggling and circulation of counterfeit Indian currency notes also. The National Investigating Agency in its investigations in the Pathankot, Uri and Andhwara terrorist attacks cases and a number of counterfeit Indian currency notes cases have conclusively proved the role of the neighboring country in orchestrating the attacks and producing and circulating the counterfeit currency. I congratulate the NIA for its splendid performance and professional investigation, which has exposed the machinations of various terrorist groups in this country. The dynamics of international terrorism have changed, with certain groups using cyber communication to spread their ideology. This led to a completely new era in terrorism world over. The phenomena of foreign terrorist fighters, or the FTF and the lone wolf attacks, taking place in many parts of the world like never before. The attacks in France, Belgium, UK, and in Bangladesh, to name a few, made us realize that the age of internet or cyber communication, national boundaries are no barriers for terrorists to propagate, to recruit, to plan, and to carry out attacks anywhere and at any time of their choice. I am told that the NIA has registered and investigated cases which a number of intricate conspiracies hatched in cyberspace were busted, and a number of potential terrorists both within and beyond India were arrested. The cyber revolution, while bringing immense benefits, has also created certain vulnerabilities and risks. The cyberspace transcends the national boundaries, hence it is extremely difficult to exercise effective jurisdictional control over the same. The proliferation of internet-based social media platforms and communication tools by terrorist outfits for planning and execution of terrorist incidents have further exacerbated the situation. With internet services providers operating transnationally across multiple jurisdictions, the only effective way to tackle globally active terrorist individuals and outfits is through international cooperation. This can be done by developing uniform standards and norms for internet service providers and technology companies, with the nation states facilitating information sharing to fight against terrorism. Surveillance, intelligence gathering, and adequate preemptive and preventive measures by security agencies at a global level are very much required. The United Nations has from time to time adopted various resolutions to combat global terrorism in all its formats. However, despite being members of the United Nations, some member states continue to flout these resolutions by nurturing and providing support to terrorist organizations. It is time for the global community to take note of the situation and act against such errant member states. It's everybody's knowledge who is encouraging, who is aiding, who is funding, who is training terrorists. And the UN has been going on discussing. People are becoming, I must tell you, restive. This is not the opinion of Vice President of India. It is the people's opinion. How long these deliberations? Why we are not able to come together? Why the world is not able to speak with one voice and curb this menace? How can you justify terror on one border and then criticize the terror on the other border? This is happening in our case also, in the case of our neighbor also. So this time, the high time that the United Nations muster the will and then kill this terror. You need to have political will, administrative skill, and also change of mindset among the people. This has to be taken up as a movement by all the countries in the globe, because each one of them are becoming victims of the same. Friends, the recent investigation by the NIA in tracing and tracking the funding of separatist groups and leaders have successfully disrupted the supply of funds to the separatist groups. They were caught naked. I use the word intentionally. And it's a good step taken by NIA
and the support given by the country and by some people may, some politicians, they'll be going on discussing, they'll be criticizing. Okay, let them do it. But as far as the nation is concerned, nation is very happy that this step is long overdue. And the NIA, through its investigation, was able to really correct the needed evidence, and then they have now come out with the specific instances. There is much more to be done on this front, because you know that the supply of funds to the separatist groups, to the extremist groups, or to the divisive forces is also an important aspect. Unless you demolish that supply chain, and these people are very intelligent, they function in very names, and they use the different platforms. When they were caught, they will say human rights are under attack. When they kill others, no. So routine hota hai. There's also another weakness in certain sections of our intelligentsia. They don't open their mouth, and people were brutally killed, bombed. Number of people lose their lives, and they raise their voice whenever there's something happens. And they go to the extent of condemning Indian Army, and including attacks on the Indian Army chief. But fortunately, the public opinion of the country is totally with the armed forces, who are doing a great job, and we should all salute Indian Army for the great service they are doing to the country. We are having peaceful sleep today because of they are not having sleep and guarding our border. This has to be understood. And the officers in NIA, or officers in the other investigating agencies, including the other paramilitary forces, they are giving their life to protect the country. If there is something goes wrong, there is a mechanism, internal mechanism, that will take care of the same if somebody does something wrong totally. But blowing them out of proportion and damning the forces is not in the national interest. I am very clear about it. As I am not yet there in politics, I can speak more freely. People may say, sir, there is a protocol and all. So, protocol? Protocol, national interest, safety and security, unity of the country is more important than anything else. And there should not be any compromise. And there should be zero tolerance towards terror and to extremism and to violence. By anything. Clearly. And the nation must stand with such officers. If there is something wrong, the courts are there. The matter will go to, it's not the NIA which is going to give you punishment, nah. They have made out a case, corrected information with confirmation. And then judiciary is there. We are a vibrant democracy, the largest vibrant democracy in the world. Nowhere human rights are this much assured than India. People, irrespective of their belief, they are given equal opportunities. I need not explain in detail how the top positions of the country at various levels were occupied by different sections of the people. That is the beauty of Indian democracy. That's the beauty of Indian democracy. Some people try to mislead the people, trying to rake up caste issues, communal issues, regional issues and all. Genuine problems, yes. Identities, yes. But at the end of the day, we are one. We may have different languages. As a country, we are one. Alag bhasha, alag vesh, phir bhi apana ek desh. Vividhata mein ekata, Bharat ka vishesh. We should live as a nation. We should think as a nation. We should act as a nation. Act as a nation. Suppose your toe, there is some small injury. Toe, na? Why should mind think about it? Why should head bow? Why should back bend? Why should the hand go and then touch that and see what has happened there? Because you are one body. Same thing, whatever is happening in Kashmir or Kanyakumari, India is one. We are concerned about our people. That feeling has to be there among all the people. That's why the divisive forces, people who are saying, sir, dissent is not allowed. Dissent is agreeable, dissent is allowed, dissent is welcome. Disintegration cannot be accepted at all. This has to be very clear to one and all. You cannot celebrate Afzal Gurus. Afzal Guru, aapka kaam jo adhura raha hai, usko pura karenge. Kya adhura raha hai? Venkaiah Naidu, Rajnath Singh, Advani,
बाकी जो महानुभाव प्रधानमंत्री सब विपक्ष का और स्वपक्ष का बच गए उसको पूरा करना यही यही अधूरा है अधूरा है क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू जस्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग समबडी यहकूब मेमम्स हु ट्राइड टू किल पीपल विदाउट रीजन इनोसेंट पीपल What is the ideology? What is the philosophy? I really wonder sometimes how such people can be sympathized. Yeah, dissent, yes. You have a disagreement, yes. There is a disagreement now. It's evident everywhere. We are seeing also. Even in parliament, outside, you can agree to disagree. You can talk out and walk out, but no breakout. Otherwise, it will be all out of the system and the country. We have to think as a nation, with all our great history of civilization, and also the challenges we have, and also the intelligence we have in this country. There is intellect among every section of the society. I go to sometimes in states, and I find there in Silicon Valley, every second person is an Indian there. IT has become now the beauty of India, and if you make it as our duty, then you will become mighty also, even in the IT also. But IT also affects us. As we were discussing about it. All these challenges are there before us. That's why this agency is, you do something in Coimbatore and then you come to Andhra Pradesh and create trouble here. That police cannot come here, even if they come also, there's no cooperation. Without cooperation, you cannot have operation. And in between that separation. So you need to have it. So after so much discussion, the parliament has approved this NIA bill. There were two views at that time. This is against federal system and all. Hit and run. They are not confined to your one state or one district or one language. Hit there and run here. Change your name also, sometimes change in religion also. We have seen recently some of the incidents. These people are coming with new methods, new ideas, out-of-box ideas. Prime Minister is talking about out-of-box ideas here and they are also planning their own out-of-box ideas. You have incubation, innovation, stand up, start up, all, but they are also up with their own plans. So we have to be very intelligent and we have to be really, our investigating agencies has to be given more power and they should be given that liberty and also there should be transparency, I do agree. Transparency and accountability is very vital for any system, including these agencies. But you cannot have a running commentary. You cannot have a running commentary. Today, global terrorism is the biggest threat as internationally active terrorist groups aspire to destroy the democratic world order by using all forms of violence. These terrorist groups do not believe in quality, equality and justice and would adopt all means, propagate, advance and impose their ideologies which are antithetical to democratic values. Considering the various dimensions of terrorism in India, the world as it exists today, it is extremely important to build capacities, import training, upgrade skills, provide technological expertise to security forces and law enforcing agencies. Positive engagement with our foreign partners is necessary when it comes to fighting the scourge of global terrorism. Terrorists around the world are collaborating and adopting technology to carry out their nefarious activities surreptitiously. Therefore, it is incumbent upon law enforcement agencies and security agencies all over the world to collaborate with each other to defeat international terrorism. For decades, India has fought the scourge of terrorism with fortitude and firm resolve. The success of India and its security forces in bringing peace to the states of Northeast, Punjab, containing situation in Kashmir, and also parts of the hinterland affected with left-wing extremism speaks volumes of the deft handling of the situation by our security forces and agencies. We have made numerous sacrifices in our fight. How many people have died? When you receive a body, don't use the word military training, but some training to think about the country and also
develop that habit from the childhood itself about the security, about also the ability, and also stability, and also practice. Everything making them into controversy. Yoga means again controversy. Yoga is an Indian art. Yoga has nothing to do with the religion. Some people say, I have objection to Surya Namaskara. You have objection to Surya Namaskara, na? Do Chandra Namaskara, no problem. Or you do Swayam Namaskara yourself. Namaskara is our samskara, Indian samskara. There are some people have the habit of each and everything they try to wear narrow meaning and try to look it from their prism of their listening one. They, of course, we are a democracy. We have arguments also, counter-arguments also, and the best will emerge out of it. So friends, the robust and strong legal framework against terrorists enforced by institutions with all the required infrastructure and human resources is a sine qua non for providing a befitting response to terrorism. Reorganizing, recognizing the same, the domestic legal framework against terrorism in India has been strengthened from time to time by successive governments. The government is in the process of making further amendments to anti-terror law to empower law enforcement agencies to not only ensure effective investigation in terrorist cases, but also have fruitful prosecution to meet the ends of justice. At the end of this thing, I only say that let us congratulate the officers and the personnel of the NIA on the occasion of NIA's day and hope that it will continue to do the good work and achieve greater success in their endeavor to unearth terrorist conspiracies, apprehend the guilty who are responsible for death and destruction, and bring them to justice and ensure peace and prosperity to the country. Because as I told you, the onward march for the progress should not be halted. Second, peace and progress will go together. Third, if there is tension, there cannot be attention. These things have to be remembered by one and all, and the citizens of the country. Everyone, the other day Prime Minister gave an advice, simple advice. Pare maine socha isme hai kya? He said everyone has to do their duty satisfactorily. Har ek vyakti apna kartavya ko nishtha se karna chahiye. Simple. And you read that, if everybody does their act in the interest of the society, in his own interest, in the interest of the country, then the country will definitely prosper. Nobody can stop India that way. Aur hamara paas koi mahatvakanksha bhi nahi hai. Isliye koi pareshan bhi nahi hai usme. To isliye mitro, main aur ek bar aaj yahan श्री मोदी जी को योगेश चंद्र मोदी जी को और गृह मंत्रालय को और सभी अधिकारियों को मुझे जो अवकाश आप लोगों ने दिया यहाँ बुलाया इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबको भी अभिनंदन करना चाहता हूँ विद दिस एंटायर वीक टुडे इज अ सूर्य जयंती सन रेस Not the S-O-N, S-U-N. Race is very important for humanity. And secondly, yesterday was the Jayanti of the great son of this great country, Sri Subhash Chandra Bose. He is one great leader whose Jayanti we celebrate. We do not know what was his Vardhanti. And you had Vasanta Panchami. You are now about to reach Republic Day. All this should make us to resolve every countryman, every serving personnel, every officer, that they should do their best for the sake of the country so that the country can prosper well, progress well, and fulfill the aim of Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Security challenges in 21st century. इस विषय पर चौथे आरबी राजू मेमोरियल लेक्चर पर अपने बहुमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है तमाम व्यस्तताओं के बीच आप यहां पधारे और हम सबका मार्गदर्शन किया।
की करतल ध्वनि के साथ उपराष्ट्रपति महोदय का आभार उनकी उपस्थिति के लिए। महानिदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री महोदय को भी इस अवसर पर आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय गृह मंत्री महोदय का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, उनका नेतृत्व हम सबके लिए मार्गदर्शक है। हम सबको ऊर्जा मिलती है उनकी उपस्थिति से, उनके विचारों से, उनके चिंतन से। उनका बहुत बहुत आभार। महानिदेशक महोदय से निवेदन है कि श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी हमारे माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय को भी इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करें उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। महानिदेशक महोदय से पुनः निवेदन है कि माननीय थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी, UISM, AVSM, YSM, SMVSM, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है इस अवसर पर मंच पर, आभार स्वरूप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। महानिदेशक महोदय, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। बहुत बहुत आभार। सभी विभूतियों का मैं निवेदन करूंगा NIA के महानिरीक्षक IG श्री GP सिंह साहब से कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारे। नमस्कार। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज NIA परिवार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव रखने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री M. वेंकैया नायडू जी, विशिष्ट अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी, माननीय थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत जी एवं समस्त अतिथिगण, NIA महानिदेशक श्री योगेश चंद्र मोदी एवं समस्त NIA परिवार की ओर से मैं मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर NIA दिवस के अवसर पर हमारा मार्गदर्शन किया। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन से 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों पर जो अपने सारगर्भित विचार रखे हैं वह समसामयिक हैं एवं जांच संस्थाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस अवसर पर मैं मुख्य अतिथि महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि NIA उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर पूरी संजीदगी व निष्ठा से कार्य सुनिश्चित करेगी। मैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा NIA कर्मियों के उत्साहवर्धन का भी आभारी हूं। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी, थल सेनाध्यक्ष, केंद्रीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, गृह मंत्रालय तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का एवं सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने और इसे सफल बनाने हेतु धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमें विश्वास है कि आपके सहयोग एवं शुभकामनाओं से NIA की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी एवं हम और भी उत्साह से अपने कार्यों का निष्पादन करने में सफल होंगे। यहाँ उपस्थित सभी संवाद कर्मियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अंत में मैं NIA के सभी कार्मिकों, विशेष रूप से प्रशासनिक कार्मिकों को उनके परिश्रम एवं अच्छे प्रदर्शन के